गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऋषभ के घर में। और ऋषभ बहुत महंगा जैकेट लिया है, हमको दिखा रहा है कि देखो अच्छा लग रहा है। ऋषभ कैसा लग रहा है? चाचा के जैसा लिया है। 2200 का है गाइस, 2200 का ऋषभ ले लिया जैकेट, बताइए। 800 रुपए इतना बढ़िया दिलवात रहे। हाँ, ये तो बात है, इसके भी फर्क है ये। लेकिन इसमें ना ये जो ये उलन वाला होता है ना, कि इसमें रोमा फेंक देता है। नहीं नहीं होगा, बोला है कि ब्रांडेड का मॉल रहा, मॉल से लिए वंदना दी। दी सबके लिए एक कैफा लगाओ, देखी हीरो लग रहा है यार। अंदर कुछ पुरानो पहनाए थे ऊपर जाके, नहीं अच्छा लग रहा है। सब कलेक्शन है तुम्हारे ऊपर, चमका ऐसे भी टिक ले लियो तू। थोड़ा पैसा लगा था, नहीं लिया हम। चलो इनका खराब हो गया रहा ना, इनका खराब हो गया ना, नहीं बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने के लिया? 2200 का। 2200 का पैसा कहाँ पा रहे यार? 3500 का बोले रहा। कितना वसी दी थी हम? कितना भी नहीं दी रहे हम, नहीं दे रहे, झूठे बोला थे। कितना झूठ कह रही है? हम नहीं दे रहे। 200 रुपए जो दी थी, 200 तो हाथ लगा रहा। और ये सब तुम्हारा चेहरा भी ढक जा रहा है इसमें, बताओ। ठीक नहीं लग रहा है, देखा है। गाइस हमने कैब बुक कर लिया है और कैब बस थोड़ी सी दूरी पे है। ले लिया टावल लटका के घूम रहा है, नहीं तो हुआ वरना था क्या? अतार में फुलर वाले लिए, देखा था? दे देगा। ले लिया मिथुन, ऐसे खस कसा हो जाएगा, ऐसे मत करो, कसा हो जाएगा। इसे स्कूल है, कैसे आएगा? 20 के आओ, 20 के टाई नर्सिंग में होगा। गाइस देखिए, हम इनवाइट कर दे रहे हैं कि एनिवर्सरी मनाएंगे तो 20 को आ जाएंगी। चलो देखेंगे अभी क्या बता। आ देखो कल जाओ। नहीं जी, तो लेकिन जब जात बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। इनका तो सही, हम 23 के आए ना जी, सब कहा कि 20 के होती तो फिर घूम लेंगे दो तीन दिन और यहाँ दे। फिर दो जाते रहे यूनिवर्सिटी की तैयारी करी और मका तो सब। अभी उसके ऊपर बताएंगे क्या क्या बातें हैं डॉक्टर, ये बताएंगे हम क्या बताएं इसमें। मकर संक्रांति पूरी दुनिया से मनाते। चलो हम आवाज़ हम बाथरूम के। मम्मी लोग आ गई हैं, सब लोग आ गए क्या छोड़ने? सब लोग चल रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग चल रहे हैं। क्या इसका तो पहन भी सकता रहता है लिलिया का। चलेगा? अरे स्कूल चलना झूला है, कल भी फंक्शन है, पता है मकर संक्रांति फंक्शन होगा। अभी बोल रही। चलो 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 देखो हो गया क्या बच्चा, पता चल जाएगा। चलो बैठो, आपको बुलाएंगे गाना गाने के लिए। आना गाना गाने के लिए। खोलो खोलो गाना गाने के लिए बुलाऊंगा, दे दे नहीं आओगे? ले लिया किसी दे, चल चल बाबू किसी दे, जल्दी आ जल्दी आ, हट जो बारिश, जल्दी आ चल जल्दी, किसी का मुझे आ रहा है। मैं अपने वाले में कर लिया। भारी भरकम थकान के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे और यहाँ पे हो रहा है जोरों शोरों से काम और किट्टो को लग रही भयंकर वाली ठंडी, तो हीटर मैंने यहाँ लगा दिया उखाड़ के और इतना बढ़िया तार का व्यवस्था मैंने बोर्ड वोर्ड ला रखा है कि इसको कहीं भी लेके चले जाओ। अब सही आराम है, दोनों चला दो ना। नहीं आज ज्यादा आ रहा था। अब मेरे से गलती हो गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। किट्टो की प्रेगनेंसी में ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, जो दूध रखा था गिर गया। अच्छा तो कचड़वा चढ़वा ले आऊँ मैं, डस्टबिन में डालते जाओ सीधे। इनकी आदत है जब दूध रखते हैं सोचते तुरंत खोल जाए और ये तेज करके हम धीमा करते हैं आके ये तेज कर देते हैं। तो पहले गाइस अच्छा मेरी गलती का एहसास दिला रही हूँ मुझे, इतना हम देखो राशन वासन लेकर आए तो रखा इसको सजा के रख देते हैं पहले। उस दिन लोग बहुत ढेर सारा सामान लेकर के आए थे, लो डस्टबिन में सीधे चला जाएगा। मम्मी यहाँ पे कहाँ काटे बथुआ, बहुत कचरा निकला मम्मी, सही बथुआ नहीं था ना,
सुबह का टेंशन है, सुबह बस बनाना बनाना रहेगा। एक एक झोला भर के सामान यहाँ पे है, सामान लगा देते हैं सब और देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेकर क्या है। तो ऋषभ ऋषभ उस दिन कंप्लेन कर रहे थे चाचू मैगी खत्म हो गया, तो मैगी हम फिर उठा लाए। अरे बाप रे इतना सामान। बेबी के लिए हमने वो ले लिया है, अब बेबी का बॉटल कहाँ है? ये रहा बेबी का बॉटल। इतना ही सामान 5,000 रुपए को गए, मुझे पता है। हाँ तो ये यहाँ का बथुआ है। अरे मैं तो सामान भी मुझे लगाना था यार, मैं भी ना क्या काम करता हूँ। तो गाइस इतना सामान लेकर के आ रखे हैं, सामान रूम सब सेट कर देते हैं, रूम फ्रेशनर भी लेकर के आए। इतना ही सामान 5,000 रुपए का, ऐसा क्या महंगा सामान लिए थे जी हम लोग? हाँ किट्टो, ऐसा क्या सामान था कि 5,000 रुपए खर्चे हो गए? नहीं हमको तो सब देखा हुआ लग रहा, जो जो हम लोग लिए वही है सब। तेलवा महंगा है ना, रिफाइंड ऑयल वो महंगा है, इसका ये नमकीन महंगा है, नमकीन ही 275 रुपये का है, ये भी 200 रुपये का हो गया। दाल भी है, ये भी है कुछ ऐसा ही है, तेल हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गए, ये हो गया मखाना हो गया, ये मखाना 290 रुपये का है मखाना, पता है पाकिट सही रहता है ना। तो सब सामान लगा देते हैं, अच्छे से रख देते हैं। देखो ये है इडली, इडली बस एक घोलो बना डालो, राइस इडली। ये हम लोग ले लिए, कोई बच्चा बच्चा कभी आते रहते हैं लोग ना, कोई बच्चा उसको दे दो एक दो खाने के लिए। ओरियो ली सब के लिए, आई ही ना। ये सामान हम लोग लगाते रहेंगे यहाँ पे। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे, आप लोगों ने मेरे वाले ब्लॉग में देखा और आप सब लोग परेशान हो रहे होंगे। तो मैंने जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि आज हम लोग को फाइनल कर देंगे क्या कैसे क्या चीजें होंगी, तो इस वाले ब्लॉग में एक चीज तो फाइनल कर देंगे हम लोग, बेबी ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल बेबी होगा। क्यों किट्टो बता दो आप अपने शब्दों में बताओ, कष्ट आपको सहना है मुझे थोड़ी। अच्छा कष्ट मुझे सहना है, आपको नहीं सहना है। तो हम लोग ना भगवान भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, और मतलब जो लोग आस्था रखते हैं प्लीज़ इस चीज़ को आप सब लोग भी कर सकते हो कि जब भी आप, वैसे तो डेली हम लोग जाते ही हैं भगवान को जल देने के, वैसे विशेषकर आप लोग अगर कहीं जाते हैं ऐसे किसी कार्य के लिए तो भगवान भोलेनाथ को जल दें। वो जल जो शिवलिंग से निकल, जब जल देते हो तो शिवलिंग से जो वो जल निकलता रहता है उस जल को लोटे में रोप के फिर से वो लेकर घर पे लाइए, उसको जरूर पीजिए और भगवान से सच्चे मन से दुआ मांगिए, भगवान इस काम के लिए जा रहा हूँ ये काम बन जाए। तो हम लोग जो सोच के गए थे वो काम हो गया फाइनली। तो डॉक्टर ने पूरा रिपोर्ट वपोर्ट देखने के बाद, बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था तो मैं अपने वाले ब्लॉग में बता दूंगा आराम से, इस वाले ब्लॉग में बता देता हूँ कि डॉक्टर ने सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला कि अमित जी खुश हो जाइए। खुश हो जाइए, क्या खुश हो जाइए बताओ, कछु का हो सही है सब कुछ, मतलब क्या? डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी अब ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं या ऑपरेशन से। ऐसा पहले तो हम लोग को ये रिस्क था कहीं ऑपरेशन ही सिर्फ ना हो, लेकिन अब ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑपरेशन नॉर्मल, ज़्यादातर चांसेस 100% चांस नॉर्मल डिलीवरी का है, लेकिन डॉक्टर ने इनके ऊपर छोड़ दिया आप सहन कर सकती हो तो ठीक है। जैसे पूछने लगी डॉक्टर से, डॉक्टर मैं ऑपरेशन कराना चाहूँ, बेटे 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 रुक जाओ, अगर आप ऑपरेशन कराना चाहते हो मुझे पहले बता देना, मुझे परेशान मत करना, फिर आप खुद परेशान मत होना, फिर चीखो चिल्लाओ दर्द सहो, फिर लास्ट बोलो डॉक्टर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे ऑपरेशन कर दो।
तो अब हम लोग फाइनली डिसीजन अभी लेंगे, अभी तो आए ही हैं, अभी सोचते हैं समझते हैं, 10 लोगों से विचार विमर्श करते हैं कि नॉर्मल करेंगे कि ऑपरेशन से करेंगे। अरे मतलब जिन्होंने किया होगा उनका एक्सपीरियंस लोग ही ना तुम, तभी तो हो पाएगा। तो हम लोग समझेंगे और आप सब लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा किटो का नॉर्मल डिलीवरी कराए कि ऑपरेशन से कराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग को एंड करने से पहले बता रहा हूँ, कल हम लोग का गाना रिलीज हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एंड किटो, जिस पर जरूर आप लोग देखिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।